इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे को तगड़ी चोट पहुंचाने पर तुले हैं। इसराइल के लेबनान में अपनी सेना उतारने के बाद से हिजबुल्ला भड़का हुआ है। समूह के लड़ाके लगातार इसराइल पर अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच लेबनान के हिजबुल्ला ने इसराइल पर सबसे बड़ा हमला किया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर को उड़ाने की कोशिश की गई है। हिजबुल्ला ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान से लॉन्च किया गया ड्रोन एक इमारत से टकराया है। इजरायली मीडिया ने खुलासा किया कि हाइफा के सिजेरिया इलाके में 19 अक्टूबर को जोरदार विस्फोट हुआ, जहां पीएम नेतन्याहू का निजी आवास है। इजरायली सेना की माने तो हाइफा पर 3 ड्रोन आए, जिनमें से सिर्फ 2 ड्रोन्स का ही पता लगा और उन्हें रोका गया। हालांकि तीसरे ड्रोन ने एक इमारत पर सटीक निशाना साधा। इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। उसके पहले ड्रोन एक हेलीकॉप्टर के पास गुजरा। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि विस्फोट बहुत बड़ा और भयंकर था। समूह ने दावा किया कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम था, जिससे विस्फोट के बाद बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। न्यूज एजेंसी अल-मायादीन के मुताबिक इजरायली सेना ने माना कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्ला के ड्रोन को रोकने में सक्षम नहीं थे। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला के ताजा ड्रोन हमले ने मध्य इसराइल में जीपीएस सिस्टम भी बाधित हुआ। वहीं इजरायली सेना और पुलिस भी हरकत में आ गई और इलाके में अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। हिजबुल्ला ड्रोन लेबनान से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर उड़ा, जो सीधे सिजेरिया में एक इमारत से टकराया, जिसके छर्रे एक पड़ोसी इमारत तक पहुँच गए। ड्रोन के इजरायली एयर स्पेस में घुसने के बाद उत्तरी तेल अवीव में गिलिलोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगा। यह पहली बार है जब तेल अवीव में मोबाइल एप्लीकेशन पर एक्टिव हुए बिना ही सायरन बज उठा। इजरायली सेना ने इस घटना को एक तनाव भरी सुबह बताया। घटना के बाद इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली सेना ने नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाने वाले ड्रोन को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी की जाँच शुरू की। रिपोर्ट्स की माने तो उत्तरी बस्तियों में सायरन बनने से पिछले 1 घंटे में 10 लाख से अधिक लोग आश्रयों की ओर भागे। इजरायली मीडिया आउटलेट मारीव ने बताया कि लगभग 1 सप्ताह में यह तीसरी घटना है जब लेबनान से आ रहा ड्रोन इजरायल के काफी अंदर तक पहुंचने में सफल रहा, जिसने इजरायल के एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाबी हासिल की। दावा है कि हिजबुल्ला ने कई महीनों पहले ही इजरायली सीमा में निगरानी ड्रोन को भेजकर मैपिंग करा ली थी। लड़ाके इसका फायदा अब उठाते नजर आ रहे हैं, जो इजरायल के अहम अड्डों पर हमला करके ले रहे हैं। इसकी जद में अब पीएम आवाज भी आने लगा है। गौरतलब है कि ताजा हमला हमास के 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के पीछे के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार की मौत के बाद हुआ है। बीते 16 अक्टूबर को इजरायली सेना ने याह्या सिनवार को मुठभेड़ में मार गिराया था।